हे गाइस, हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर के। और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो थोड़ी स्वीट आइटम है। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई पेड़े और साथ में हम बनाने जा रहे हैं क्रैनबेरी सॉस। तो मलाई पेड़े के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है मिल्क लगेगा हमको, हमने मिल्क पाउडर ले लिया है, शुगर ले लिया हमने और देसी घी लगेगा, थोड़ा सा सैफरन लगेगा और इलायची का पाउडर ले लिया हमने। जो क्रैनबेरी सॉस बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने ड्राइड सन ड्राइड क्रैनबेरीज ले ली है, शुगर लगेगी हमको और पानी लगेगा थोड़ा सा। गार्निश करने के लिए हम पिस्ताचियो यूज़ करेंगे मलाई पेड़े को। तो चलिए हम अपने रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमने एक पैन फ्लेम पर रख दिया है, उसमें हम ऐड करेंगे क्रैनबेरीज को, थोड़ा सा सो गाइस हमारी क्रैनबेरीज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम उसमें डालेंगे शुगर, जितनी क्वांटिटी हमने क्रैनबेरीज की ली थी उतनी से हाफ क्वांटिटी में हम शुगर ले लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। सो गाइज, क्रैनबेरी सॉस हमारी एकदम रेडी हो गई है। तो चलिए हम अपने मिल्क पेड़े की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मिल्क पेड़ा बनाने के लिए हमने पैन जो है वो गरम रख दिया है, उसमें अब हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। वन बिग ग्लास हमने मिल्क ले लिया है, इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं मिल्क पाउडर। तो हमने वन बोल मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। और इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। तो वन बोल हमने शुगर ऐड कर दिया और अब हम इसे मूव करते रहेंगे। अब हम इसमें वन टीस्पून घी ऐड करेंगे, देसी घी जो है, और इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे। ये हमारा मिक्सचर जो है वो थिक होने लगेगा। बॉईल आ गया है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे। अब गाइज, आप देख रहे हैं हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम थिक हो गया है। तो अब हम इसे कूलिंग के लिए रख देंगे 5 to 10 minutes और फिर अपने पेड़े बनाने शुरू करेंगे। सो गाइज, हाथ पर हमने थोड़ा घी का ये ले लिया है और पेड़े हमने बना दिए। तो मिक्सचर का हम अच्छा रोल बना रहे हैं और रोल बनाने के बाद हम उसे प्रेस करके इसमें पिस्ताचियो फिल कर देंगे। आप देख रहे हैं हमारे पेड़े एकदम रेडी हो गए हैं। गाइस, हमारे लवली मलाई पेड़े और क्रैनबेरी रोल्स रेडी हो गए हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए
ताकि हम आपके लिए और नई रेसिपीज़ ला सकें। एंजॉय।